जब नशे में धुत राजकुमार को पीटने वाले थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी को किया था शादी के लिए प्रपोज। साल 1986 में एक पार्टी में राजकुमार और धर्मेंद्र की लड़ाई हो गई थी। इतना ही नहीं, राजकुमार हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज कर चुके हैं। जानिए जानी डायलॉग से मशहूर एक्टर के किस्से। वेटरन एक्टर राजकुमार की आज 92वीं जयंती है। लगभग 4 दशक तक अपने एक्टिंग का कायल बनाने वाले राजकुमार का जन्म बलूचिस्तान, पाकिस्तान में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। एक्टिंग से पहले राजकुमार पुलिस इंस्पेक्टर थे। राजकुमार कई बार अपने को एक्टर का मजाक उड़ा चुका है। साल 1986 में एक पार्टी में धर्मेंद्र शराब पी रहे थे, तभी राजकुमार ने कमेंट किया, इस पहलवान के पीने के अंदाज से तो ऐसा लगता है कि इसने पहले कभी शराब नहीं देखी। नशे में धुत धर्मेंद्र ने राजकुमार को पंजाबी में गालियां बकनी शुरू कर दी। इस पर राजकुमार मुस्कुराते रहे। धर्मेंद्र तभी राजकुमार को मारने उनकी तरफ दौड़ पड़े। तभी राज कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा बीच में आ गए और धर्मेंद्र को पार्टी से बाहर ले गए। राजकुमार उन एक्टर्स में से थे जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन राजकुमार ने कभी हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था। राजकुमार और हेमा मालिनी ने फिल्म लाल पत्थर में साथ काम किया था। राजकुमार की जिद के बाद ही हेमा मालिनी को फिल्म में लिया गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी को पसंद करने लगे। फिल्म की रिलीज के बाद उन्होंने हेमा को प्रपोज कर दिया। हेमा राजकुमार की फैन थी। इसके बावजूद हेमा मालिनी ने राजकुमार के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। हालांकि इस वाक्य के बावजूद राजकुमार हेमा मालिनी के फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। राजकुमार ने बाद में एयर होस्टेस जी नेपर से शादी की थी।